यक ना शुद दो शुद गैस की किल्लत के साथ एलपीजी भी महंगी। शहरियों पर एक के बाद एक परेशानी बारिश की तरह बरसने लगी। ठंडे चूल्हों को गर्म करने के लिए माफिया मुंह मांगी कीमत लेने लगी। रोजाना करोड़ों की सिलेंडर गैस ब्लैक में फरोख की जा रही है। दिसंबर के 16 आयाम में 1 अरब 25 करोड़ की एलपीजी ब्लैक हो चुकी। वजीर आला सरदार उस्मान बुजदार का सख्त नोटिस, एलपीजी की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सर्दी की शिदत बढ़ते ही गैस में कमी, कहीं सुई गैस का प्रेशर कम तो कहीं बंदिश। फतेहगढ़ और गाजियाबाद के रहायशियों के सब्र का पैमाना लबरेज। सड़कों पर निकलकर एहतजाज। नवापुरा रोड एचरा में जमात इस्लामी का गैस बंदिश के खिलाफ मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी। लाहौर का व्हाइट हाउस खतरे में। जौहर टाउन में अफजल खोकर और सैफुल मलूक खोकर की रिहायशगाह खोकर पैलेस गैर कानूनी होने का इंकशाफ। एलडीए कंट्रोल्ड एरिया में बगैर मंजूरी तामीरात की गई। लाहौर न्यूज ने हकायक से पर्दा उठा दिया। चीफ जस्टिस के अहकाम के बाद एलडीए की इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट तैयार। खोखर पैलेस के बिलमुकाबल सरकारी अराजी पर कब्जे का मामला, एलडीए का जोहर टाउन में ऑपरेशन। सैकड़ों केनाल सरकारी अराजी वाकजार करवा ली गई। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर ब्लॉक में वाकई 1000 केनाल अराजी। बजाहिर नजर आने वाली झुगियां कीमती सरकारी अराजी पर कब्जा करने की आड़ में पहले मरहले के तौर पर लगाई जाती हैं। एलडीए बासर अफराद को झुगियों का किराया अदा करते हैं। मक्की कब्जा माफिया मंशा बम और उसके बेटे आसिम मंशा का मजीद 5 रोजा जुडिशियल रिमांड। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने जेल भिजवा दिया। मुलजिमान के खिलाफ दर्ज 8 मुकदमों में रिपोर्ट और चालान मुकम्मल किया जा रहा है। तफ्तीशी ऑफिसर। पंजाब में 190 अरब रुपए की 370 तरक्याती स्कीमों में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत 26 अजला की स्कीमें शामिल। सड़कों गलियों की तामीर और मुरम्मत में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ। ठेकेदारों को सारे पैसे मिल गए। फंड्स क्लियर करवाने में मुबैना तौर पर महकमे बल्दियात, मवासलात और दीगर इंतजामिया मुलाविस रही। जराए गुज़श्ता बरसों में घपलों से मुतालिक रिपोर्ट आ रही है। महकमे बल्दियात ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और डिप्टी मेयर वसीम कादिर की होने वाली आपसी बदमजगी का नतीजा, पार्टी में एक और दरार। वसीम कादिर ने भी नून लीग को खैराबाद कह दिया। माजरा क्या हुआ पहले हमजा शहबाज से पूछें, वो हकीकत नहीं बताएंगे तो मैं फिर बोलूंगा। वसीम कादिर, हमजा शहबाज ने 40 बलदियाती नुमाइंदों की मौजूदगी में बरहम होते हुए वसीम कादिर को पानी की बोतल दे मारी थी। इख्तराक का नाजायज इस्तेमाल, माली फवायद हासिल करने और मनपसंद अफराद को नवासा गया। आशियान इकबाल केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। नैब ने ओपोजिशन लीडर कौमी असेंबली के खिलाफ 100 से ज्यादा सफहात पर मुश्तमिल रेफरेंस तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान यूसुफ भी कब्जा ग्रुप की फहरिस्त में शामिल। शहरी ने घर पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त नैब को जमा करवा दी। अली इमरान ने 96H मॉडल टाउन ब्लॉक झूठे केस में फंसा कर जुर्माने के तौर पर 19 लाख रुपए तलब किए गए। शहरी ताहिर खान का इल्जाम। एक लाख 93,000 के नाला अराजी स्कैंडल का मामला, नामजद मुलजिम अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। 3 माह गुजर गए, सिविल अदालत ने अब तक फैसला क्यों नहीं दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी बरहम, पुलिस सेशन जज और सिविल जज से रिकॉर्ड तलब। हेलमेट के बगैर नई मोटरसाइकिल बेचने पर पाबंदी, नई मोटरसाइकिल फरोख करने वाले हेलमेट भी साथ देना होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया, बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल फरोख ना की जाए। जस्टिस अली अकबर कुरैशी। फिर कानून
पंजाब राजा बशारत के फोन कॉल लीक होने का मामला, वज़ीरा की मुदाखलत के हवाले से हुकूमती सतह पर पॉलिसी तश्कील देने पर गौर। ज़राए का कहना है कि कोई भी वजीर दूसरी वजारत में बराह रास्त मुदाखलत नहीं करेगा, वज़ीरा किसी भी वजारत से शिकायत पर मुतल्लिका वजीर को आगाह करेगा। आज हमें 30 साल की हुकूमत के ताने दिए जाते हैं। कुर्बानियों के जरिए मुल्क में जमहूरियत का अमल शुरू हुआ। हमने हुकूमत से कभी भी रिलीफ नहीं मांगा। तहरीके इंसाफ की हुकूमत पहले 100 दिनों में बुरी तरह नाकाम हुई। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। सेकेंडरी अस्पतालों की इमरजेंसी की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करने का हुक्म। सर्दियों में इमरजेंसी और वार्ड्स में हीटर्स की सहूलत लाजमी फराहम की जाए। वज़ीर सेहत डॉक्टर यासमिन राशिद की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। पंजाब के 5 अजला में माँ बच्चा अस्पतालों की तामीर के लिए 60 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए गए। मेरी कौम के बच्चों में बहुत टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तानी तलबा का शुमार दुनिया के जहीन तरीन तलबा में होता है। बदकिस्मती से हुकूमतों ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। सूबाई वजीर सनअत तजारत मियां असलम इकबाल का तकरीब से खिताब। हर साल 12 लाख अफराद को रोजगार फराहम करने का ऐलान। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने UC 76 में खुली कचहरी भी लगाई। बोले अवाम की सुनवाई न करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की सालमियत इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली में मसीह बरादरी का किरदार मिसाली रहा है। वही कौमें तरक्की करती हैं जो मिलकर जदोजहद करती हैं। मसीह बरादरी ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद चौधरी सरवर से काउंसिल ऑफ बशिप के 9 रुकनी वक्त की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने ज़रई तरक्याती बैंक के इस्लामिक बैंकिंग सेटअप का इफ्तिताह भी किया। क्रिसमस बड़ा त्यौहार, मसीही बरादरी खुशी से सरचार। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान भी मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक। मियां मीर कॉलोनी में तकरीब के दौरान क्रिसमस का केक काटा। कहते हैं नए बलदियाती निज़ाम में अकलियतों के लिए मखसूस नशस्तें होंगी। नई हुकूमत में बलदियाती नुमाइंदों की भी सुनी गई। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन समेत बलदियाती इदारों को 2 अरब 73 करोड़ से ज्यादा फंड्स जारी। मजमूई फंड्स में से लाहौर के लिए 16 करोड़ रुपए जारी। गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन बुक खत्म, स्मार्ट कार्ड्स का इजरा। एक्साइज ऑफिस में स्मार्ट कार्ड्स हासिल करने वालों का तांता बन गया। पहले रोज 1000 शहरियों को कार्ड्स भिजवाए गए। सिक्योरिटी फीचर्ड कार्ड पर शहरी का नाम, घर का पता, गाड़ी का रंग और मॉडल नंबर समेत तमाम तफसीलात दर्ज। इस्तेमाल शुदा दरामदी मोबाइल के टैक्सेस और ड्यूटीज के SRO के इजरा तक मोबाइल फोन बंद ना किए जाएं। 31 दिसंबर की डेडलाइन के बाद कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ। सदर ऑल पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन बाबर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कस्टम्स इंटेलिजेंस का टेंपल रोड पर मियां चैम्बर पर छापा। अफगानिस्तान से स्मगल किए गए करोड़ों रुपए मालियत के वजन करने वाले डिजिटल कंप्यूटराइज्ड आलात कब्जे में ले लिए। सामान गोदाम में छुपाया गया था। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। पंजाब पुलिस के 2,98,482 मुलाजमीन जराय में मुलाविस। 2013 से 2017 के दौरान 494 DSP, 9,315 इंस्पेक्टर और 54,313 सब इंस्पेक्टर जराय में मुलाविस पाए गए। 3 माह कबल लापता होने वाली 30 साल नीलम की लाश मिल गई। SP सदर अली रजा ने बताया कि शौहर आरिफ ने दूसरी बीवी सकीना से मिलकर नीलम को कत्ल किया और लाश घर के सहन में दफन कर दी। घरेलू झगड़े पर छुरियों के वार करके नीलम को कत्ल किया। हुआ ये कि एक हस्बैंड है, उसके आगे 2 वाइफ्स हैं और जो आरिफ है एक्चुअली वो इसमें कल्प्रेट है मेन। इसकी एक बीवी सकीना है और दूसरी है जो है नीलम। नीलम को इन्होंने एक्चुअली, सकीना जो है वो सेकंड वाइफ है, तो उसने नीलम को मारा है। तो नीलम की डेड बॉडी रिकवर हो गई है। अब आगे इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार कैसर अमीन भट्ट PIC में जेर एलाज, दो रोज कबल कराई गई इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट तसल्ली बख्श न आई। कैसर अमीन भट्ट को तीन रोज कबल दिल की तकलीफ पर PIC में मुंतकिल किया गया था। प्राइमरी और मिडिल इम्तिहानात के लिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल, मुकर्रा तारीखों में 26,23,050 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के जेर इहतमाम फरवरी में प्राइमरी और मिडिल के इम्तिहानात होंगे। लेस्को समेत बिजली के तमाम तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, मुलाजमीन को ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस रकम मिलने की उम्मीद। पेप्को ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों को ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की रकम देने के लिए पॉलिसी बनाने की हदायत कर दी। म्यानी साहब कब्रिस्तान सेक्रेटरी, लोकल गवर्नमेंट ने नई कमेटी बना दी। DC लाहौर सालिया सईद चेयरमैन होंगी। DIG ऑपरेशंस, डायरेक्टर एडमिन, LDA समेत 15 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी में सरकारी और गैर सरकारी अराकीन शामिल। इंटरनेशनल हॉकी की 14 साल बाद पाकिस्तान वापसी, नेशनल हॉकी स्टेडियम में इंटरनेशनल हॉकी सीरीज ओपन का मेला सज गया। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की खसूस शिरकत, अफ्तताही मैच में अजबकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान को 11 गोल से शिकस्त दी, जबकि पाकिस्तान ने नेपाल के साथ दोस्ताना मैच 9-0 से जीत लिया। बैन अल-अक्वामी रस्साकशी के मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानदार कारकर्दगी, 12 रुकनी रस्साकशी टीम ने भारत, नेपाल और श्रीलंका को शिकस्त दी। लाहौर पहुंचने पर किसी भी सियासी शख्सियत ने फातहीन का इस्तकबाल नहीं किया, खिलाड़ी हुकूमत से नाला। हेड कोच तौकीर डार के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर हसन सरदार भी ओहदे से मुस्ताफी, कहा हॉकी को फरोग देने के लिए पैसा लगाया जाए और निजाम बेहतर बनाया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं तो आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी खत्म कर दें। मुस्ताफी मैनेजर ने वज़ीर-ए-आज़म से तवज्जो की अपील की।